मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। अक्सर विवादों में रहने वाले धनबाद बस्ताकोला में संचालित जीवन संस्था के एक दिव्यांग किशोर की मौत हो गई है। दिव्यांग किशोर के शव पर चोट के निशान पुलिस को मिले हैं। आज जो मामला मैंने सारा देखा वो एक संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। धनबाद उपायुक्त, धनबाद कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट से मेरी मांग है कि पिछले बार जिस नाबालिग बच्ची की मौत हुई थी उसका जहां तक मुझे जानकारी है उसका विसरा फ्रीज किया हुआ है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में उस बच्ची की मौत का भी जो विसरा है उसका दोबारा पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के जरिए करवाया जाए। और आज जिस बच्चे की मौत हुई है जिसका नाम काल्पनिक नाम हम जो भी कह लें, उस बच्चे की भी मौत की पूरी इंक्वायरी की जाए, बाकायदा वीडियोग्राफी की जाए। सवाल एक ये भी है कि धनसार थाना क्षेत्र के अंदर में वो विद्यालय आता है, धनसार थाना को भी शायद इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। PMCH सरायढेला थाना के अंतर्गत आता है, सरायढेला थाना का भी एक भी सिपाही वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये गुपचुप तरीके से एक जो अनाथ बच्चा है उसका पोस्टमार्टम खुद से करवा लेना संस्था के द्वारा और उसका अंतिम संस्कार करवा देना, 36 घंटा गुजर जाना, सारा संदेह उत्पन्न करता है। देखिए, आज CWC धनबाद का ऑफिस में आज ऑफिशियल छुट्टी है और मैं कतरास में अपने घर पर था। सामाजिक कार्यकर्ता अंकित राजगढ़िया से इसकी सूचना हमको मिली और अपने विवेक से, चूँकि बच्चा का इंटरेस्ट का सवाल था, मैं पोस्टमार्टम हाउस भी गया, पोस्टमार्टम रूम में भी गया, जाके देखा, बातचीत की और मटकुरिया मुक्तिधाम भी गया जहाँ बच्चा का अंतिम संस्कार हुआ। देखिए, अभी तक ऑफिशियल कोई सूचना CWC को नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कि अंकित जी की सूचना पर हम लोग वहाँ पर गए और जाकर उनकी बेटी प्रियंका जी वहाँ पर थी। हम लोगों ने पूछा तो बताया गया कि वो कोडरमा का केस था, अभिषेक नाम है, 16 ईयर्स, 16 साल बच्चा का उम्र है और एपिलेप्सी का बीमारी था, वो गिर गया था। लेकिन बाद में पता चला कि घटना आज की नहीं है, घटना कल सुबह 7 बजे की है और कल ही ले जाया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम आज हुआ। इस पर हम लोग संस्थान में और हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट मंगवाएंगे कि वो ब्रॉड डेड गया था या इंजरी के हालत में गया था, एक सवाल ये उठता है। तो इस पर हम लोग कल जांच कराएंगे, दोनों जगह से रिपोर्ट मंगवाएंगे। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।